श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वल्लभा की जय चौरासी वैष्णवन की वार्ता जय श्री कृष्ण बासठवे वैष्णव स्त्री पुरुष भाव प्रकाश सो वे दो कछुक दिन में आगरे आए रहे सो एक कोठा भाड़े लियो जगह निपट छोटी सो एक आले में श्री ठाकुर जी पधराए आले के आगे लकड़ी माटी सो मेरा बांधी बढ़ाए तापर सैया रहती एक और रसोई करी एक और सीधा सामग्री धरे रात्रि को स्त्री पुरुष कोठरी के द्वार पर सोए रहे द्वार पर मारग हतो सो काल उष्ण काल तो या प्रकार सो बितायो पाछे वर्षा ऋतु आई सो रात्रि को मेह बरसे कोठा के द्वार दो बैठे भीजे ऐसे करत अर्धरात्रि भीजते बीती तब श्री ठाकुर जी भीतर मंदिर में थे बोले वैष्णव तुम क्यों भीजत हो बाहर ते भीतर आओ तब स्त्री पुरुष ने कही महाराज कोठो निपट छोटो है हमारी मलमूत्र की देह हम आपके पास कैसे सोवे मर्यादा रहे ना ही तब श्री ठाकुर जी कहे हम तो ऊपर चौबारे में हैं तुम नीचे आओ तुम भीजत हो सो हमको बहुत दुख है तुम भीतर आओ तो हमको सुख होए तब दो स्त्री पुरुष भीतर आए धरती पर सोए सो सगरी रात्रि डरपत रहे जो छीके खांसी वायु सरेगो तो अपराध परेगो यह भय करत रहे पाचा सवेरो भयो तब श्री ठाकुर जी सो पहुंचे के स्त्री पुरुष मन में विचार किए जो वर्षा ऋतु आई अपने भीतर सोव नाही बाहर सोवे तो भीजे श्री ठाकुर जी दुख पावे ताते एक छोटो सो छपरा द्वार पर बनाव नो तब एक छपरा द्वार पर बनवाए दो स्त्री पुरुष बाहर आए सोए तब श्री ठाकुर जी ने कही भीतर क्यों न सोए हमारी आज्ञा थी तब दो जन कही महाराज हम लौकिक जीव हैं सो अनुसर में पास आछो ना ही आवनो आपू की आज्ञा करे भीजत ना ही छपरा नीचे हैं तब श्री ठाकुर जी शुद्ध भाव देखी अनुभव जनावन लागे मांगी मांगी के आरोप थे सो स्त्री पुरुष ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र बड़े भगवदीय थे ताते इनकी वार्ता कहता ही कहिए भाव प्रकाश इनकी वार्ता में यह सिद्धांत भयो जो श्री ठाकुर जी सो डरपत रह नो अपराध परे तो बाधक होए दास को यह धर्म है जो स्वामी को भय राखे प्रीति सो सेवा करे और अपनो धर्म गोप्य राखे तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए सो स्त्री पुरुष की ऐसी प्रीति हती वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी जो वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला तापर वल्लभि मुद्रा सोहे मुखबोले गोपाला तन मन धन वैष्णव पर वारू गाऊ शि गिरधर लाला आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास लाला वल्लभि वैष्णव सदा सुहागी जय श्री कृष्ण